राजस्थान वीरों की जन्मभूमि रहा है। यहाँ अपनी मातृभूमि पर अपना सब कुछ लुटा देने वाले वीरों और वीरांगनाओं की गौरवगाथा से इतिहास भरा पड़ा है। आज हम इस वीडियो में ऐसी ही वीर योद्धा हमीरदेव चौहान की गौरवशाली गाथा को बताने जा रहे हैं, जिनके हट और पराक्रम के आगे समस्त भारतवर्ष के राजा और सुल्तानों ने हार मान ली थी, लेकिन एक गलती के कारण उनकी रानी ने जौहर कर लिया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत करता हूँ आपका सिटी एक्सप्लेन में। हटी हमीरदेव चौहान राजस्थान के रणथंभौर रियासत के शासक। इनका जन्म 7 जुलाई 1272 को चौहान राजवंश के राव जैत्र सिंह के तीसरे पुत्र के रूप में हुआ था। बचपन से ही हमीरदेव चतुर और निडर थे। उन्होंने सभी शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी और घुड़सवारी के साथ चलने में विशेष प्रेरणा हासिल की थी, जिनमें से वीरता के चर्च दूर दूर तक दुश्मन थे, जिनके नाम से थर थर कांपते थे। तो चलिए अब हम आपको विस्तार पूर्वक विस्तार से बताते हैं। सिंह सुवन सत्पुरुष वचन कडली फले एक बार, त्रिया तेल हमीर हट सोने ने दूजी बार। इसका मतलब है दोस्तों, सिंह एक ही बार संतति को जन्म देता है। सज्जन लोग बात को एक ही बार कहते हैं। केला एक ही बार ही फलता है। स्त्री को एक ही बार तेल एवं उपटन लगाया जाता है, अर्थात उसका विवाह एक ही बार होता है। ऐसे ही हमीरदेव चौहान का हट है, जो ठानते हैं उस पर दोबारा विचार नहीं करते हैं। हमीरदेव चौहान मेवाड़ के परम प्रतापी शासक थे, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में दिग्विजय अभियान चलाया था और इसी अभियान में उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को 3 बार युद्ध में परास्त भी किया था और उन्हें अपने कारावास में कैद कर लिया था। उनकी वीरता और निर्णय निर्धारण का जो चिन्ह था, वह उसे ठीक से पूरा करते थे। इतिहास में उन्हें यूं ही हटी हमीरदेव चौहान नहीं कहते। मेवाड़ के अंतिम चौहान शासक थे वीर योद्धा हमीरदेव चौहान। राव हमीरदेव चौहान का जन्म 7 जुलाई 1272 को चौहान वंशी राजा जैत्र सिंह के तीसरे पुत्र के रूप में अरावली पर्वतमाला के मध्य बने रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। बालक हमीरदेव इतना वीर था कि तलवार के एक प्रहार से मदमस्त हाथी का सिर काट देता था। उसके एक मुक्के के झटके से बिलबिलाकर कैमल धरती पर गिर जाता था। इस वीरता से प्रभावित होकर राजा जैत्र सिंह ने अपने जोड़ा में ही 16 अटैचमेंट 1282 को उनका राज्याभिषेक कर दिया। राव हमीर ने शौर्य एवं पराक्रम से चौहान राजवंश के रणथंभौर सीमा को कोटा, रांची, मालवा तथा ढूंढाड़ तक विस्तृत किया। हमीरदेव चौहान ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 सफलता मिली। 17वां युद्ध उनके विजय अभियान का अंग नहीं था। हमीरदेव चौहान ने सबसे पहले भामरस के राजा अर्जुन को हराया और फिर दक्षिण में परमार शासक भोज को और फिर रणथंभौर को गए और 9 कोटि का यज्ञ का दावा किया। इसके तुरंत बाद ही हमीरदेव ने अपना राज्य शिवपुरी, बलवन और शाकंभरी तक कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव की जंग। हमीरदेव चौहान एक कुशल शासक होने के साथ बहुत ही शक्तिशाली योद्धा भी थे। यह कहना अनावश्यक ना होगा कि वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली योद्धा भी थे। हमीरदेव ने अपने राज्य की सीमाओं को मेवाड़ से पहले दूर गुजरात और उत्तर में दिल्ली की सीमाओं तक फैला दिया था। उस वक्त 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अलाउद्दीन ने 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया था और वहां से विजय के बाद वापस लौट रही मुस्लिम सेना ने माल बंटवारे को लेकर शाम हो गई और सेना में शामिल होकर मंगोल सैनिक ने विद्रोह कर दिया, जिनमें से मुख्य नेता मोहम्मद शाह वेक वरु थे, जो इस विद्रोह के अलाउद्दीन सेनापत के दमन के बाद ये हमीरदेव चौहान की शरण में चले गए। जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान से उन्हें वापस लौटाने को कहा तो हमीरदेव ने मना कर दिया। बोले कि हम शरणागत आए किसी भी व्यक्ति को वापस नहीं भेजते, जिस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण करने का मन क्रय कर लिया। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खान, अलप खान और उलुग खान के नेतृत्व में एक बड़ी सेना रणथंभौर पर आक्रमण की उत्तेजना दिखाई, लेकिन नुसरत खान किले पर कब्जा करने वाले जिले पर हमला कर दिया और हमीरदेव चौहान ने भीम सिंह व धर्म सिंह के नेतृत्व में तुर्कों का सामना करने के लिए सेना, जिसमें तुर्कों की पराजय हुई और तुर्कों को जान बचाकर भागना भी पड़ा। इस हार के कारण अलाउद्दीन खिलजी स्वयं एक विशाल सेना लेकर रणथंभौर आ गया था, लेकिन एक साल तक किले की घेराबंद के बावजूद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। तब अलाउद्दीन खिलजी ने छल से संधि का प्रस्ताव हमीरदेव चौहान ने भाप लिया और दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें खिलजी को हार का सामना करना पड़ा। बादशाह खिलजी को हमीरदेव चौहान ने जीत के बाद 3 महीने तक जेल में बंद रखा। कुछ समय बाद खिलजी ने रणथंभौर पर फिर आक्रमण किया। इस युद्ध से पहले हमीरदेव ने अपनी पत्नी से कहा कि अगर हरे झंडे वाली सेना किले की ओर आती दिखे तो समझ जाना कि हमारी हार हो गई। अब की बार खिलजी की सेना बहुत अधिक विशाल थी। मुस्लिम सेना ने रणथंभौर किले को घेरा कड़ा करते हुए आक्रमण किया था, लेकिन दुर्ग रक्षक उन प्रतिबंध लगाते हैं, जिससे उनकी सेना को काफी नुकसान होता है। मुस्लिम सेना का इस तरह घोर घोर अपराध बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन उनका रणथंभौर पर अधिकार नहीं हो सका। किले का घेरा कई दिनों तक चल रहा था, जिससे दुर्ग में रसद आदि की कमी हो गई थी। दुर्ग वालों ने अब अंतिम निर्णायक युद्ध का विचार किया। राजपूतों ने केसरीय वस्त्र धारण करके युद्ध किया। राजपूत सेना ने दुर्ग का दरवाजा खोल दिया, घोर युद्ध करना घोषित किया। दोनों तरफ आमने सामने की लड़ाई थी। एक ओर संख्या बल में बहुत कम राजपूत थे तो दूसरी ओर सुल्तान की कई गुना बड़ी सेना थी,
जिनके पास परियति युद्धादी सामग्री एवं रसद थी। राजपूतों के पराक्रम के सामने मुस्लिम सेना टिक नहीं सके, भाग छूटे। भागते हुए मुस्लिम सैनिकों के झंडे राजपूतों ने ले लिए, वे वापस राजपूत सेना किले की ओर लौट गए। दुर्ग पर से रानियों ने मुस्लिम के झंडों को दुर्ग की ओर आकर देखते हुए राजपूत हार गए, इसलिए उन्होंने जौहर कर अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया था। किले में प्रवेश करने पर जौहर के लपटों को देखकर अमीरदेव चौहान को अपनी भूल का ज्ञान हो गया। उन्होंने प्रायश्चित किया, दृढ़ किले में स्थित शिव मंदिर पर अपना मस्तक काट शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जब अलाउद्दीन को इस घटना का पता चला तो उसने किले पर फिर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, आपको ये वीर योद्धा अमीरदेव चौहान का इतिहास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे ही वीर योद्धाओं के इतिहास को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।